वेलकम फ्रेंड्स, तो आज मैं लिवर आयुष थेरेपी के इस नेचुरल फेयरनेस सैफ्रन फेस वॉश फॉर गोल्डन ग्लो विद सैफ्रन कुमकुमादी तैलम का रिव्यू करूंगी। पहले मैं आपको बता दूं, इसका नेट वेट 80 ग्राम्स है, ये 110 रुपीज़ का है। बैक साइड में इसमें कुमकुमादी तैलम और सैफ्रन के बेनिफिट्स लिखे हैं। दिस नेचुरल फेयरनेस फेस वॉश कंटेन्स द गुडनेस ऑफ सैफ्रन दैट इज केसर एंड आयुर्वेदिक हर्ब विद ग्रेट मेडिकल वैल्यू नोन फॉर इट्स ब्राइटनिंग एंड हीलिंग प्रॉपर्टी एंड कुमकुमादी तैलम अ यूनिक ब्लेंड ऑफ 16 एंड हर्ब्स एंड ऑयल फॉर्मुलेटेड टू क्योर मार्क्स लाइटन स्किन कलर एंड इम्प्रूव स्किन क्वालिटी फॉर अ गोल्डन ग्लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। इसका टेक्स्चर आपका ये थोड़ा सा क्रीमिश कलर का है और थोड़ा क्रीमी सा है, और अगर मैं इसे स्मेल करके अगर आपको बताऊं तो इसका स्मेल, अगर आपने कुमकुमादी तैलम की स्मेल अगर स्मेल करा है तो आपको एकदम उसका स्मेल आएगा, और अगर नहीं भी करा है तो इसका स्मेल काफ़ी ऑयली टाइप का है, कि जैसे जो ऑयल का स्मेल होता है वैसा है। और जितना मैंने अभी क्वान्टिटी लिया है इतना आपके लिए सफिशेंट है पूरे फेस के लिए। और अब मैं आपको इससे बताती हूँ कि मुझे क्या बेनिफिट्स हुए हैं। तो जैसा कि ये क्लेम करता है फेयरनेस और आपका ये गोल्डन ग्लो, तो अगर फेयरनेस की बात करें, मैं 2 वीक से इस फेस वॉश को यूज़ कर रही हूँ, तो अगर आपको डिस्कलरेशन है और टैनिंग है तो फॉर श्योर ये आपका वो प्रॉब्लम, वो इशू सॉल्व करेगा अगर आप इसे दिन में कम से कम दो बार यूज़ करेंगे। और जहाँ तक गोल्डन ग्लो की बात है, मैंने इसमें कोई गोल्डन ग्लो, मतलब कोई ग्लो एज इफ कोई ग्लो नहीं देखा, तो ये ग्लो के मामले में थोड़ा सा सही नहीं है, बट फेयरनेस है इसमें, फेयरनेस देगा आपको। और इससे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो प्लीज़ इसे मत यूज़ करना, क्योंकि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए सही है, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशनल है और कॉम्बिनेशनल स्किन होने के बावजूद भी इसे यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी ड्राइनेस फील हुआ। तो अगर आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो प्लीज़ ये ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसे मत यूज़ करिएगा। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर हम इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें, तो प्रोज जैसे अब सबसे बड़ी बात कि ये एक आयुर्वेदिक है तो इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, सबसे बड़ा प्रो तो आपका यही है। उसके बाद सेकेंडली हम बात करें तो ये आपको येस वॉश ऑफ फेयरनेस दे रहा है, और इसके मुझे प्रोज उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हाँ आप इसे यूज़ कर सकते। हाँ, सबसे बड़ा इसका प्रो तो आप, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है, कि आपको जितना मैंने क्वांटिटी लिया है उतने में ही आपको, जैसे कि अगर आप लिक्विड मस्कारा यूज़ करते हो तो आपको बहुत बार 3 या 4 बार फेस वॉश से मुँह धोना पड़ता है, तो इससे आपको एक बार ही फेस वॉश करने में आराम से वो आपका लिक्विड आईलाइनर हो चाहे कोई भी किसी भी तरह का मेकअप हो आराम से निकल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है जो अभी क्लेम भी नहीं करा है इसमें। और अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें तो कॉन्स सबसे पहले वही, जो ड्राई स्किन पीपल के लिए प्लीज़ मत यूज़ करिएगा। सेकेंडली, ये आपका हर जगह अवेलेबल नहीं है। अगर आप सोचोगे कि आपके पास के किराने की शॉप में ये आपको ईजिली मिल जाए तो सॉरी, ये अभी अवेलेबल नहीं होगा, ये अभी आपका केवल अमेजोन और ग्रॉफर्स में अवेलेबल है। तो ये ऑनलाइन आप इसे आराम से ले सकते हो। इसका प्राइस काफ़ी सही है, 80 ग्राम से 110, और आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। बस ड्राई स्किन पीपल प्लीज़ इसे यूज़ मत करना, और फेयरनेस ये आपको देगा फॉर श्योर, और गोल्डन ग्लो नहीं है इसमें ऐसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।